चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस की विभीषिका देश दुनिया में तबाही मचा रही है, लेकिन इस महामारी रूपी बीमारी के कारण पिछले साल दिसंबर महीने में सामने आया था, जिसका कारण चमगादड़ बताया गया था। जिसकी पुष्टि विशेषज्ञों ने की तो वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का भी मानना है कि यह वायरस ऊंट, बिल्ली और चमगादड़ सहित कई पशुओं में भी प्रवेश कर रहा है, जिसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर महामारी घोषित कर दिया। तो लोगों ने चमगादड़ सहित कई जानवरों से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन बिहार का एक ऐसा गांव है जहां आज भी चमगादड़ों को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और उसकी पूजा कर इनके संरक्षण के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि यहां के लोगों का मानना है कि ये चमगादड़ किसी भी वक्त बड़ी घटना से पहले ही वहाँ के लोगों को अवगत करा देते हैं। देखिए, हम लोग जो इसको पालते हैं ना, आज से नहीं, बाप दादे की उम्र से ही है हमारे यहाँ, और इसको हम लोग नहीं मानते, मारते होते हैं, इसको संरक्षण देते हैं और ये हम लोग को पूर्वाभास कर देता है, चाहे भूकंप हो कि चाहे आठ में जो बाढ़ आई थी, ये हमारा गांव इसके प्रभाव से हमारा गांव वंचित था, बाढ़ चारों बगल बाढ़, लेकिन हम लोग बच्चे। दरअसल सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र के लहरनिया गांव निवासी प्रोफेसर अजय सिंह चमगादड़ों का अभयारण्य बनाने की तैयारी में है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने चमगादड़ों को बगीचे में पनाह दी और आज अजय उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जिसके लिए प्रोफेसर अजय सिंह ने 50 एकड़ के बगीचे में 5 लाख से भी ज्यादा चमगादड़ों को पाल रखा है और उनके लिए विशेष तौर पर पेड़ भी लगवाए हैं। सबसे पहले बात तो यह चमगादड़ जो है हम लोग के पूर्वज से भी पहले आया हुआ है, यहाँ हम लोग कोई इससे कोई अनिष्ट होने का संभावने नहीं होती, न अब आज तक हुआ है। वैसे हम दो उदाहरण आपको दे सकते हैं, 8 में जो बाढ़ आई थी उसमें हमारा गांव ड्यू टू चमगादड़ बचा हुआ है। अभी हमारे यहाँ लगभग 5 लाख की संख्या में चमगादड़ है, जिसको हम 3 आम का कलम, 1 लीची का कलम संरक्षण दिए हुए हैं रहने के लिए, और पोखर पर जो गाछी सब है उसमें संरक्षण दिए हुए हैं रहने के लिए। यह हम लोगों का अनिष्ट आज तक नहीं किया है। इससे पहले एक घटना और हम लोगों को याद है, जो भूकंप जो आई थी 6.8 के तीव्रता से, हमारे पूरे कैंपस के ऊपर वह मर्रा रहा था, मान घूम रहा था। हम लोग अचानक डर गए कि आखिर क्या बात है, क्यों चमगादड़ इस तरह से घूम रहा है। जब तक मैं हम लोग घर से बाहर निकलते तब तक में भूकंप शुरू हो गया था। लेकिन मोटा मोटी हम यही कहेंगे कि आज तक हम लोगों का यह कोई अनिष्ट नहीं किया है। हम लोगों का यह समझिए कि एक तरह से पूर्वानुमान ही हम लोगों को दे देता है कि आज कुछ अनिष्ट होने वाला है। चमगादड़ के विषय में इससे हम ज़्यादा क्या, हमारे दादा से पूछे तो वो बोले हम लोग भी नहीं जानते हैं बाबू, हम लोगों से भी कितना पूर्वज पहले से है, अब कब से है यह तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग संरक्षण इसको देते हैं। मैं ही नहीं, मेरे वृक्ष पर तो रहता ही है, सारा गांव इसमें मन इन्वॉल्व है, जो हमारे चमगादड़ को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और जो पूछना, ये बताइए कभी कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की चमगादड़ को? नहीं, हम लोग को कभी आज तक नहीं किया है। नहीं, चमगादड़ को मारने की कोशिश की? जी हाँ, कभी? जी हाँ, आता है, वो बहेलिया सब आता है हम लोग के यहाँ, लेकिन लोगों के द्वारा जो है संरक्षण तो है ही, तो कोई देख लेता है तो उसको या तो हम लोग पकड़ के डांटते डपटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, नहीं होता है तो अंत में पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। कोई ऐसी घटना है जिसमें उसको मारने की कोशिश की गई हो, कोई इस तरह की घटना? हाँ हाँ, इससे पहले हम लोग एक 2 साल पहले की बात है, चमगादड़ कलम में टॉर्च दिया गया, तो हम लोग किसान हैं, रोड के किनारे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा डर हुआ कि आखिर क्या बात है। तो हम लोग जैसे अपना ग्रुप बना के कलम में पहुँचे तो देखते हैं 3-4 गाछी पर वह सब नेट लगा के बैठा हुआ था, और वहीं से टॉर्च जलाया तो कोई बता दिया कि मालिक इस अथी में टॉर्च जल रहा है, तो डर गए हम लोग, जो क्रिमिनल का शंका हुआ। लेकिन वहाँ जब हम सारे समाज पहुँचे तो देखते हैं कि वृक्ष पर बहेलिया सब बैठा हुआ है नेट लगा के, तब हम लोग उसमें से 3 को पकड़ के लाए घर, 3 पकड़ाया,
बाद बाकी भाग गया, तीन को पकड़ के लाए। हमारे गांव के लोग उसको बहुत ज़्यादा मारपीट करना शुरू किया। नौबत यह थी कि जो उसको जान मार देता। तब तक हम पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आई, उसको यहाँ से उठा लिया। अच्छा, किस वजह से इसको पाले हुए हैं? कोई वजह तो होगा। पूर्वज भी बोले हैं हम लोग जो बाबू इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, यह तो आप लोग देखो। वही चमगादड़ संरक्षण में अजय सिंह को उनके परिवार के साथ ही गांव के लोगों का भी साथ मिलता है। यहां के लोगों की मान्यता है कि इस बस्ती के लिए चमगादड़ वरदान है, जिनके लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। हम लोगों का पूर्वज से हम देख रहे हैं यहां पर बहुत बड़ा घना आबादी है, पक्षी कोई चमगादड़ तो देवता के रूप से हम लोग मानते हैं। ये आभास करता है जो अब क्या होने वाला है, आगे कोई भूकंप या किसी तरह का कोई घटना होने वाला है तो वो अपना अंगना से कर देता है। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।